Well, how and why am I so full-blown makeup junkie today? God knows. Hello everyone, welcome back to my channel. Kemon Acho Shobai. So recently Anamika Khanna ka product launch hua tha with the collaboration of H&M. And patently me bahut zyada excited the is collaboration ke liye. And guess what? I have got a few of the things from the collaboration itself. So if you really want to see Anamika X H&M collection mein maine kya kya kharida, then you have to keep on watching. Firstly, the collaboration was like top notch. Indian ko fusion karke with the western style Anamika Khanna ne kuch antique pieces banaye the. Last time aise Indian wear aaya tha during Sabyasachi ke collections mein. एंड सबसे अच्छे के टाइम में भी मैंने एक पैंट लिया था, दैट्स इट. तब मेरा उतना क्रेज नहीं था इन सब चीज को लेके, बट देन द मोर दिस H&M डूइंग दिस थिंग्स और मोर मेरा ये फैसिनेशन बढ़ता जा रहा है ड्यूरिंग द सेलिब्रिटी डिजाइनर कोलैबोरेशन विद द H&M. सो आई हैव गॉट 3 प्रोडक्ट्स टुडे विद मी, एक्चुअली 4 थे. एक बाय मिस्टेक प्रोडक्ट है, बट व्हेन यू विल हर्ड द स्टोरी, लाइक हम जब स्टोरी सुनाएंगे ना तो आप भी सोचोगे कि You did the right thing, okay? You did the right thing. Now, firstly, उनके प्राइस रेंजेस भी बहुत ठीक ठाक थे, लाइक एकदम एक्सट्रीम लेवल वाले अगर कोई प्राइस था तो एक ड्रेस उनका 50,000 का था, विच ऐसा करके हुआ गायब. लाइक इन आई थिंक 5 to 10 मिनट्स मेरे को एक्सेस मिलने के बाद H&M का ऐप का, वो 10 मिनट्स में सोल्ड आउट हो गया था. रेस्ट ऑफ देम वेयर देयर फॉर सम टाइम, बट सम टाइम्स भी ज्यादा नहीं था. बट आई लकीली गॉट व्हाट आई वांटेड. मेरे को एक ब्लैक टॉप जरूर चाहिए था, विच यू विल सी ऑन द स्क्रीन, अभी वीडियो चल रहा होगा. आई वोर दैट टॉप और वो टॉप कॉटन, 97% ऑफ कॉटन का था. एंड दैट वॉज अ ब्लैक टॉप विथ शोल्डर पैड ऑन इट. जनरली हम शोल्डर पैड वाली चीजें नहीं रखते हैं, शोल्डर पैड नहीं यूज करते हैं बिकॉज आई डोंट लाइक, बट देन उसमें जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे ना वो अच्छा लग रहा था. बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना ही क्रॉप था कि जब हम हाथ उठा रहे थे ना तो वो उठ जा रहा था. देन आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू रिटर्न दैट प्रोडक्ट. और मेक श्योर अगर आप H&M के सेलिब्रिटी डिजाइनर वाले जो कोलेबोरेशन वाले प्रोडक्ट्स लेते हो, विद इन 24 hours आपको रिटर्न करना होता है. सो फर्स्ट ब्लैक टॉप तो वो था, उसका रेंज 3600 रुपीज था. आई गॉट इट इन 2 साइज, M तो मैंने ट्राई भी नहीं किया, खोला भी नहीं, वैसे ही वापस रिटर्न कर दिया था. बट L व्हेन आई ट्राइड इट आई लाइक्ड इट, बट देन एट द सेम टाइम व्हेन मेरा वो जो फॉल्टी वाला प्रोडक्ट दैट आई प्रेस्ड इट बाय मिस्टेक, आई एम गोइंग टू शो यू दैट वेरी सून. बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ द इयररिंग्स. ओह गॉड, एक्सेसरीज ऑफ अनामिका खन्ना वाज टॉप नॉच. लाइक मैंने अभी तक इतने कोलैबोरेशंस में इतने अच्छे एक्सेसरीज नहीं देखे किसी भी ब्रांड के. एंड दैट्स व्हाई आई ओवरलोडेड माय सेल्फ. मेरे बजट के बाहर जाके मैंने 2 इयररिंग्स खरीदा एंड आई हैव 2 बॉक्सेस विद मी. लाइक द वन थिंग, अगर आप ना बहुत फैसिनेटेड हो ऐसे सेलिब्रिटी डिजाइनर के प्रोडक्ट्स से और आपको मालूम है कि H&M साल में 2 बार ऐसे सेलिब्रिटी डिजाइनर के साथ कोलैब करते हैं, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप कोई एक्सेसरीज पे फोकस ज्यादा रखो, बिकॉज शूज इंडिया में लॉन्च नहीं करते हैं फॉर सम रीजन, विच आई स्टिल हैव क्वेश्चंस व्हाई दे डोंट लॉन्च शूज इन इंडिया. किसी भी कोलैब का शू लॉन्च नहीं होता इंडिया में. सो उनके ज्वेलरीज लो ताकि आपको उसका बॉक्स भी, लिमिटेड एडिशन बॉक्स भी मिल जाए. तो अनामिका खन्ना फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू शो यू, अनामिका खन्ना एक्स H&M, द पैकेजिंग, द आउटर बॉक्स लुक्स समथिंग लाइक दिस. एंड दिस बॉक्स इन पर्टिकुलर, ये वाला जो इयररिंग है, यहाँ पे इयररिंग का पैटर्न भी दिया हुआ था कि आपको कौन सा प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है, विच इज वेरी लाइक मिनिमल है बट अच्छा लगा देख के. और फिर आप जब ये पैकेज खोलोगे, मैंने एक खोल रखा है बिकॉज हम बार बार अपने हस्बैंड को दिखा रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ को दिखा रहे हैं. लाइक आई एम जस्ट, इट्स अ मल्टी पर्पज इयररिंग्स. आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये 3000 रुपीज है, बट देन दिस इज वर्थ द मनी. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आपको ये वाला इयररिंग आप 3 ways में पहन सकते हो. दे आर क्लेमिंग कि ये क्राफ्टेड है इंडिया के रिसाइकल्ड वेस्ट मेटल से. सो एक्चुअली आई एम पेइंग फॉर द वेस्ट मेटल, आई एम नॉट श्योर. सो द इयररिंग्स लुक्स समथिंग लाइक दिस. ये पार्ट बाय पार्ट है, ये हम आपको दिखाएंगे. द फर्स्ट वे यू कैन वेयर इट जस्ट बाय प्लेसिंग दिस वन, और आप इसका पैच लगा दो. दिस इज द वन वे यू कैन वेयर दिस इयररिंग, लुक्स समथिंग लाइक दिस. कॉइन है और इसमें अनामिका लिखा हुआ है, आई एम नॉट रॉन्ग. यस, इसमें अनामिका लिखा हुआ है. यू हैव टू पुट दैट एक एंड का
कुछ करो देन जस्ट केयरफुली प्लेस इट एंड देन रैप इट अराउंड योर इयर्स और बैक एंड से ये वाला अंदर डाल दो. This is the second way you can wear these earrings, okay? Now, third way, you can add ये जो तीन strings हैं, you can either add this or यहाँ पे clasp दिया हुआ है, इसको खोल के आप separate भी कर सकते हो, so that you can wear it like in this way. अब हम इसको just and this is the three ways you can wear this earring. How stunning or statement piece है ये product. Like I'm so eager to wear this. मेरे पास एक concept है. I really have to go by that concept during the festival season. And I hope कि ये अच्छा लगे जिस दिन हम ये पहनेंगे. I think I will not going to wear this along with this. But then definitely this too will be my go-to. Like अभी आप बहुत सारे get ready with me videos में शायद ये करते हुए देखोगे. This is how this thing looks. Like three in one way to wear this stunning product. The second product is again. Is a earring. मैंने बोला ना कि I was so invested in the earrings, the necklace and something. Like earrings were the one that caught my eyes more than the neck piece. Neck piece भी अच्छा था, it was stunning. But then earring was calling my name. This is the second thing from the collection. और ये भी earrings हैं. And अगर आप guess गलत नहीं कर रहे हो या आपने अगर थोड़ा सा भी देखा होगा, so you will get to know कि हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं. It's this stunning piece. Oof, this is a statement piece. I'm so obsessed. ये वाला ना किसी को पसंद नहीं आया मेरे घर में, but somehow I am so into this one. Again, you will get the tag, you will get the piece, and then यहाँ पे price लिखा हुआ है. This is 3600. Like leaf coins वाले leaf, ठीक है? So I'm going to open this up and I'll show you. ये सिंपल सा सिंपल नहीं है, लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. इट्स आल्सो अ स्टनिंग पीस, अ स्टेटमेंट पीस. या डेली वेयर में तो आप यूज करोगे नहीं, बट देन आई एम सो काइंड लविंग द पैटर्न. अगेन यू विल सी रिसाइकल जो भी उसने मेटल यूज किया है. एंड यू विल सी इसमें ना वो ब्लैक स्पॉट भी है इन द फ्लावर्स. इन वन ऑफ देम लाइक अनामिका का एक कॉइन भी है इसमें, विच रिटन अनामिका. एंड देन आप ये स्नेक चेन भी देखोगे इसमें, ठीक है? अगेन लाइक दैट वे, ठीक है? बट ये सेपरेट नहीं होता, ये अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट इट. सो एंड अगेन दिस इज 3600 एज आई मेंशन. यहाँ पे अगेन अनामिका लिखा हुआ आएगा. एंड ये जितना हैवी आपको लग रहा है ये उतना हैवी है नहीं. दिस इज द लाइटेस्ट लाइक ईयर पीस. एंड देन this is how it will look अगर हम पहनेंगे तो. and पता नहीं हम इसको किस तरीके से स्टाइल करेंगे या कैसे करेंगे. I still don't have any idea in my mind, but I can tell you one thing कि जब भी हम ये पहनेंगे this will be something की बहुत I don't have that word with me right now. so this is that stunning piece. okay, हम ना जब मुंडी हिलाएंगे ना अपना I'll get that कॉइन का नॉइज फॉर सम रीजन, बिकॉज ये कॉइन ही है पूरा. इट्स लाइक अ ट्री, लाइक लेयर्ड अप ट्री, कॉइन ट्री. भगवान इतना पैसा मेरे को भी दे सके हम असली वाले कॉइन से सस्ते में. बट आई एम लाइकिंग दिस वन मच मोर देन दिस वन, बट देन आई डोंट वांट टू रिटर्न दिस वन बिकॉज इट्स अ स्टेटमेंट पीस. सो दिस आर द टू इयररिंग्स दैट आई हैव गॉट फ्रॉम द अनामिका एक्स H&M. कलेक्शन का लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिकॉज इट्स अ ड्रेस एंड आई एम सो एक्साइटेड टू वेयर दिस ड्रेस. मैंने अभी अपने लाइफ में, आई विल बी इन माई 30s, ओके? नेक्स्ट मंथ हम 30s के हो जाएंगे. सो हम अभी तक अपने लाइफ में कभी ऐसा ड्रेस अपने लाइफ में ट्राई नहीं किया, ठीक है? व्हाई एम आई सेइंग अपने लाइफ में सो मच. एंड दिस वॉज अ मिस्टेक परचेस, और वो मेरा साइज का भी नहीं था. XS में मंगवाया था. And it's a silk blend kaftan dress. It's a kaftan dress. I'm going to show you. The packaging was something like this. This time packaging was not good. Boxes mein aise simple boxes mein aa rahe the, so it is what it is. Sabne saachi jaisa mehnat nahi kiya hai, which I get it. So it's a silk blend dress, and it's the pattern that suits me. As I mentioned कि मैंने XS और S size में लिया है. एंड इट्स अ स्ट्रेट अप डीप नेक काफ्तान ड्रेस. अभी आप क्लिप देखोगे इधर,
and you will see the tag here. It says Anamika Khanna XHNM. और फिर आपको यहाँ पे वो कार्ड डिटेल्स मिल जाएंगे, एक्सेस एस, जो कि मेरे साइज का नहीं था, 77% कूप्रो, आई डोंट नो ये कौन सा फैब्रिक होता है, एंड इट इज सिल्क ब्लेंड थर्ड वाले कागज में. एंड विद दैट आपको फिर दिखेंगे प्राइसिंग, बिकॉज प्राइस वाज इन वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए मैंने वो ब्लैक टॉप रिटर्न किया, बिकॉज एज आई मेंशन आई वाज गोइंग आउट ऑफ माय बजट एंड इट कॉस्ट मी 6,000 रुपीज. बट 3600 का वो चेस्ट से ऊपर उठने वाले कपड़े से एटलीस्ट 6000 वाज सो मच वर्दी, बिकॉज मेरी मदर इन लॉ को ये ड्रेस इतना 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 पसंद आया कि उन्होंने बोला कि आई थिंक यू शुड नॉट रिटर्न दिस, इंस्टेड यू कैन रिटर्न द ब्लैक टॉप, विच आई डिड. एंड इफ आई से कि आपको दिखेगा कैसा काफ्तान ड्रेस, अगर बड़ा में अगर एल साइज भी आप पहनते होगे ना ड्रेस, आपको एक्सेस एस फिट एल नहीं, अगर एम या एल तक के वाले ये वाला पहन सकते थे. एंड बिकॉज एज आई मेंशन कि मैंने गलती किया था, सो यू विल गेट द स्ट्रिंग्स हेयर, अगर आपको ज़्यादा ढीला लग रहा है यू कैन ऑलवेज पुल दिस बैक अप, विच इज़ वेरी नाइस एक्चुअली, अदरवाइज ये ड्रेस मेरे पे अजीब सा लग रहा था. एंड जब पहन रहे थे ना तो यहाँ पे एक स्लीट भी है, लाइक इफ आई शो यू वेयर इज द स्लीट, ये इतना लंबा स्लिट है बोथ साइड में, सो स्लिट इज समथिंग लाइक दिस कि आप यहाँ घुटनों के ऊपर तक आपका ये स्लिट आ जाएगा. अगर आप नहीं चाहते हो तो वो अपना साइड में रहेगा, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी. बट आई लव द फैब्रिक, आई लव द पैटर्न, आई लव द ड्रेस, आई लव द फैक्ट कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई एम गोइंग टू वेयर अ काफ्तान. काफ्तान पहनने का बहुत शौक था मेरे को, बट हर काफ्तान ना नाइटी जैसा दिखता था, बट दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट. एज आई मेंशन कि यहाँ पे वो स्ट्रिंग है, तो वो स्ट्रिंग क्या कर रहा है ना, आपके सेपरेट बॉडी पार्ट्स को अच्छे से लाइक दिखा रहा है. सो आई लव द फैक्ट कि काफ्तान के ऊपर थोड़ा सा लॉजिकली प्ले किया है अनामिका खन्ना ने, एंड आई लव दिस स्टनिंग पीस, एंड आई कांट वेट टू वेयर दिस ऑन एनी ऑफ द स्पेशल ओकेजन दैट आई हैव अ प्लान फॉर दिस प्रोडक्ट. सो दिस इज व्हाट इट इज, आई लव्ड इट सो मच. The only con part, मेरे को ये समेटना नहीं आता, so मेरी मदर ने लगाई. Anyways, so this is my collection from the Anamika X H&M collaboration, and overall I'm extremely happy. सबसे ज़्यादा expensive purchase मैंने इस बार ही किया है, and silk kaftan is one of the expensive things that I own. इतने दिन तक सब्यसाची था, बट सब्यसाची को बीट कर दिया है इसने. नहीं एक्चुअली पाको रबान एक्स H&M वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट आउट ऑफ एवरी कोलैबोरेशन प्रोडक्ट्स दैट आई हैव गॉट, दिस इज द वन जो सबसे ज्यादा मैंने स्पेंड किया है अपना मनी, एंड आई डोंट रिग्रेट इट एट ऑल, बिकॉज दे आर वर्दी इन माई सेंसेस, इन माई ब्रेन. मैथ इज मैथिंग, ओके, गर्ल मैथ इज समथिंग लाइक दैट. एनीवेज, सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. इफ़ येस, लेट मी नो आपको कौन सा पार्ट पसंद आया, आपको ये सिल्क ड्रेस कितना वर्दी लगा, या इयर रिंग्स कितने अच्छे लगे, लेट मी नो समथिंग इन द कॉमेंट सेक्शन. मेरे को कैसे स्टाइल अप करना चाहिए प्रोडक्ट, ऑल्सो लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन. वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो यू हैव टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर.